जाएगा सर। एक समय आप आवेदन दीजिए, आपका नाम क्या है? उसी कैंप में सविता देवी। सविता देवी, सविता देवी, आप उस कैंप में 10 गाय का आवेदन अभी दीजिए, आपका 10 गाय हम लोग स्वीकृत कराएंगे। कृषि पदाधिकारी वहाँ कौन है? कृषि का लोग है वहाँ पर? जी सर है। बोलो माइक दो उसको। जोहार सर, डॉक्टर धनलाल प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी ईचागढ़ सर। देखो वो महिला पशुपालक है, वो 10 गाय का आवेदन देंगी और जल्द से जल्द बढ़िया गाय उन महिला को उपलब्ध कराने का आप लोग काम करें, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। जोहार जोहार जोहार, बताइए। हम दो तो गाय लिए थे, एक तो मिला है हमको, लेकिन कलो किलो दे रही है दूध, हमको डेली 600 रुपया मिल रहा है। आपको पता है एक लीटर पर हम लोग 3 रुपया और अतिरिक्त देते हैं, अगर आप दूध अगर दूध के हम लोग का सेंटर में भेजते हैं, मालूम है? है, लेकिन सेंटर यहाँ नहीं खुला है। अच्छा, आपके यहाँ दूध पाला गाय पालने वाले लोग अधिक हैं उधर? अधिक नहीं है अभी। अच्छा, तो आपका घर में ही दूध खप जाता है? नहीं नहीं नहीं, हॉस्टल में देते हैं। हॉस्टल में देते हैं, अच्छा अच्छा। तो और लोगों को जोड़िए, अगर अधिक सर आपको वहाँ गाय के साथ साथ इस बार भैंस भी बैठेंगे, भैंस लेने वाले लोगों को भी। हाँ बताइए। मेरा नाम कौशल्या बरमानी है, मैं उत्तर ग्रामीण प्लस टू उच्च विद्यालय देवरदान की 10वीं वर्ग की एक छात्रा हूँ। अच्छा, आपको बेटा क्या योजना मिला? हमको साइकिल का राशि मिला है किस राशि, और सावित्री बाई फुले की किस राशि मिला है। वाह बहुत बढ़िया, आगे क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहते हैं सर। आईएएस बनना चाहते हैं, कहाँ गया? इनके बाद शुभ वितरण के लिए इनके बाद आएंगे लाभुक श्री लक्ष्मण मुखी। शुभ वितरण प्रेक्षक श्रीमती रिहाना ठाकुर द्वारा उपायुक्त महोदय प्रदान कर रही है, माननीय मुख्य बच्चों को देश में।